दौतली और देव। और इस पीठिका के सम्मुख में जहां से पानी नीचे गिरता है, जहां से ये जो भाग आगे जाके होता है, जहां से पानी नीचे गिरता है, इसके राइट में श्री गणेश जी, लेफ्ट में श्री कार्तिकेय जी और मध्य में एक मोटी सी, प्रत्येक शंकर के शिवलिंग की जलाधारी में एक मोटी सी बीच में एक लाइन होती है, मोटी सी, वो स्थान अशोक सुंदरी का होता है। वो स्थान अशोक सुंदरी का होता है, उसको अशोक सुंदरी का स्थान। जब विशेष बहुत आपको लग रहा है कि ये कार्य होने वाला नहीं है, और विशेष अगर कोई कार्य, और बहुत समय अगर आपके निकल भी गए हो, बहुत समय आपका लग गया और वो कार्य नहीं हो रहा, पांच बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब आप चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो भाग है, ये डंडी का भाग जहां से पानी बहता है, जहां से जल बहता है, उस स्थान की ओर इस डंडी के भाग को रखेंगे। पांचों बेलपत्र, एक बेलपत्र जब डंडी का भाग हमने इधर कर दिया, थोड़ा समझ लें अच्छे से, जैसे ये जलाधारी समझ लो, एक बेलपत्र अपन ने रखी, डंडी का भाग जहां से जल बह रहा है उस ओर है, दूसरी बेलपत्र हमने उठाई और दूसरी बेलपत्र की डंडी को मध्य भाग की पत्ती पर, दूसरे नंबर की पत्ती, मध्य बीच वाली पत्ती उस पर, तीसरी बेलपत्र को फिर बीच वाली पत्ती पर, इस तरह से पांच बेलपत्र हमें देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना चाहिए। पांचों बेलपत्र पर अपनी तीन उंगलियां भगवान शंकर की पांचों बेलपत्र पर स्पर्श करें और एक लोटा जल भगवान शंकर को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जल चढ़ाने की दिशा, हमने पहले भी आप लोगों से कहा, अगर विशेष कोई कामना से हम जल चढ़ाते हैं, विशेष कोई मन की बात है और वो नहीं हो रही उसके लिए हम जल चढ़ाते हैं, तो ध्यान रखने वाला विषय है, जहां से जल बहता है उसके ठीक विपरीत में आप बैठ जाते हैं। जल उत्तर की ओर जा रहा है, आप दक्षिण में बैठ, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर लो, क्योंकि जल उत्तर की ओर जा रहा है। इधर जल जा रहा है तो आपका बैठना इधर होना चाहिए, इधर जल जा रहा है तो आपका बैठना हम जहां बैठे ऐसा होना चाहिए, इधर जल जा रहा है तो आप जैसे बैठे हो वैसा होना चाहिए। वहां बैठकर पांच बेलपत्र रखकर उंगली का स्पर्श कर पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर जल की धार दोनों हाथ से देवाधिदेव महादेव को अपने मन की कामना कर अशोक सुंदरी से अपने दिल की बात कहते हुए चढ़ाई। दो या ढाई महीना होगा और देवाधिदेव महादेव आपका वो कार्य सफल करेगा। एक पत्र है, देखिए